नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आपके लिए इस वीडियो में बताना चाहूंगा। जी हां, आपने सही सुना है कि जीएसटी की लेट फी को सरकार ने माफ कर दिया गया है। ये कौन से पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 का जो पीरियड है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज कंप्लीट हुई। फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है, जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है, उनको कॉम्प्लाई किया जाए, फाइनल किया जाए और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन किया जाए टैक्स पेयर्स को। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है कि अगर आपकी कोई भी 3B अगर फाइल नहीं हुई है जुलाई 2017 के पीरियड से लेकर के जनवरी 2020 का जो पीरियड है, उस पीरियड के बीच में जो भी 3B फाइल होती है, उस पीरियड की लेट फी को आप वेव ऑफ करा सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे सबसे पहले ये है कि अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, कोई लेट फी नहीं लगेगी। सेकेंडली, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, कोई सप्लाई आपने करी है, कोई उसके अंदर कोई टैक्स लाइबिलिटी है, कोई टैक्स उसके अंदर पे करना है, तो उस केसेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपीज पर मंथ की लाइबिलिटी ही हो सकती है। इसका मतलब जहां जो लाइबिलिटी 1,20,000 तक हो सकती थी, वहां अब ये लिमिट लगभग 500 × 12 महीने 6,000 रुपए तक ही सीमित हो गई है। बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका। यहाँ पे कंडीशन ये गई है, ये बताई गई है कि यहाँ के लिए अगर आपको अब इस लेट फी को वेव ऑफ कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी रिटर्न को फाइल कराना होगा। सरकार ने क्या कहा कि 1 जुलाई 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक ही हम आपको 3 महीने का टाइम पीरियड दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपनी रिटर्न को फाइल करें, तभी इस लेट फी का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जुलाई 2017 से लेकर के मार्च 2020 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बीच में जितनी भी 3B फाइल होती हैं, उन 3B की लेट फी को वेव ऑफ आज सरकार ने ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। फर्दर रिलीफ, सेकेंड रिलीफ क्या दिया गया यहाँ पे कि जिनकी रिटर्न जो अपने टैक्स पेयर्स हैं, जो अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की जो रिटर्न जो स्टैगर मैनर में अनाउंसमेंट करी थी कि 6 जुलाई तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। बहुत ही छोटे उद्योग और छोटे बिजनेसमैन, उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए 24 जून की जो डेट थी वही अभी तक प्रिस्क्राइब करी गई है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनकी ड्यू डेट जो 6 जुलाई 2020 थी, कि अगर आप 6 जुलाई 2020 तक अगर अपनी रिटर्न 3B फाइल कर देते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई लेट फी नहीं लगेगी। सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये दी है आज कि अगर आप अपनी जीएसटी या 3B की जो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की जो रिटर्न है, उसको आप 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हो, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने क्या कहा कि 6 जुलाई तक अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फी नहीं, और अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हो, तो कोई इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं कहा, यहाँ पे लेट फी को वेव किया गया है। इंटरेस्ट जरूर लगेगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगा कि 6 जुलाई से पहले आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लीजिए। अगर उसके अंदर टैक्सेशन आ रहा है, कोई टैक्स पेबल आ रहा है, अगर 6 जुलाई को आपने क्रॉस कर दिया, तो इंटरेस्ट सरकार ने क्या कहा कि जो इंटरेस्ट 18% होना चाहिए था, आपसे 9% चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का वेव ऑफ नहीं दिया गया, यहाँ पे लेट फी का वेव ऑफ दिया गया। साथ के साथ यहाँ थर्ड रिलीफ क्या दी गई है, मई जून जुलाई महीने की जो रिटर्न जो 3B फाइल करेंगे हम, उनके लिए बोला गया कि 30 सितंबर तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फी यहाँ पे नहीं। फोर्थ केस, फोर्थ यहाँ पे बेनिफिट क्या दिया गया इस इंडस्ट्री को, इस फ्रेट पार्लेंस को, कि बहुत सारे ऐसे केसेस में कोविड आ गया, बहुत सारे केसेस में एप्लीकेशन आपकी कैंसिलेशन हो गया, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो उसको आप रिवोक नहीं करा पाए, एक्टिव नहीं करा पाए। तो सरकार ने यहाँ पे क्या कहा कि 12 जून 2020 तक अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो आपको एक टाइम पीरियड दिया गया 30 सितंबर 2020 कि 30 सितंबर 2020 से पहले आप आ जाइए, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन आप दीजिए, और अपना आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है उसको आप एक्टिव मोड में करा लीजिए। ये 4 मेजर रिलीफ सरकार ने आज 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बताई गई है। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि सरकार की मंशा यहाँ पे है कि क्लीन अप करना पेंडेंसी को, बट यहाँ पे जो एसएससी, जो टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करी है, जो जिन्होंने अपना बहुत हैवी अमाउंट ऑफ द लेट फी फाइल किया है, वो अपने लिए एक दुखदायी सिचुएशन यहाँ पर लेकर के आए कि सरकार ने हमारे लिए बहुत ही
एक तरीके से जो बेनिफिट हमें बहुत पहले देना चाहिए था वो सरकार बहुत लेट लेकर के आई है। जिन्होंने अपनी लेट फी को पे कर दिया वो एक इस तरीके से अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि हम अपनी रिटर्न, जिन्होंने अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल किया है वो इस केस में यहाँ पे पछता रहे हैं, और जो रिटर्न लेट फाइल कर रहा है उसके लिए सरकार ने एक क्लीन अप पेंडेंसी प्रोसीडिंग यहाँ पे लेकर के आई है। तो कोई बात नहीं, फिर भी सरकार की मंशा ये है कि जितने भी असेसमेंट प्रोसीडिंग हो, लिटिगेशन हो, वो बिल्कुल क्लीन तरीके से चले और हर एक टैक्स पेयर को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि आप इस विंडो में आप आइए, आप अपनी रिटर्न को फाइल कीजिए, आप अपने बिजनेस को ओपन कीजिए और बिजनेस को आप एक्टिव मोड में लेकर के आइए, तभी ये सरकार सर्कल चल पाएगा, इकोनॉमी चल पाएगी। बहुत ही मेजर रिलीफ स्मॉल टैक्स पेयर से रिलेटेड। और एक और चीज यहाँ पे मैं सरकार को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन और भी देना चाहूंगा कि जो सरकार ने यहाँ पे लिखा है कि 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उनकी फरवरी मार्च और अप्रैल महीने की रिटर्न को यहाँ पे इंटरेस्ट का वेव ऑफ नहीं दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट का वेव ऑफ नहीं दिया, इंटरेस्ट का वेव ऑफ 9% तो दिया पर यहाँ पे और बेनिफिट यहाँ पे दिया जाना चाहिए था, लेट फी का बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं दिया गया। इसका मतलब 6 जुलाई के बाद अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हो 30 सितंबर से पहले तो लेट फी जरूर लगेगी, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इन केस ऑफ योर क्वेरी, एनी क्वेरी इन रिलेशन टू दी 40 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं प्रवीण शर्मा आपके क्वेरी का जवाब जरूर देना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।